सभी को आदाब, प्यार भरा नमस्कार, सलाम अलैकुम। और आपका इस्तकबाल है आज की शाम तेरे नाम जगमग जगमग खुशबू खुशबू अलबेली मतवारी शाम आज की शाम तेरे नाम जगमग जगमग मतवारी शाम आज की शाम तेरे आँखों के आंगन में खेले हैं एक अनजानी बोली जाने क्या है पैगाम आज की शाम तेरे जगमग जगमग खुशबू खुशबू अलबेली मतवारी अब एक और प्यार भरा वेलकम मैसेज आपके लिए लेके आई हूँ। की बात बात फूलों की आपकी बात
बात बात फूलों की फिर छिड़े रात बात फूलों की रात है बारात फूलों की फिर छिड़े रात बात फूलों की ये महकते हुए गजल मखदूम ये महकते हुए गजल मखदूम जैसे सहरा में रात बात फूलों की फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी को फिर से इस्तकबाल। और ये फरमाइश थी मिलनसार अहमद जी का, जाकी एहसान साहब का। रात है या बारात फूलों की, या बोलिए बात इश्क के हर रंग की जो आज होने वाली है। तो पता है, मखदूम मोहीउद्दीन साहब जिनका कलाम मैंने अभी सुनाया, वो हैदराबाद से हैं, जहाँ से मेरी तालीम भी है। और शायद आज बहुत लोग वहाँ से जुड़े भी होंगे, मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी, लेकिन मेरे ख्याल से सभी कम कहते हुए थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मैं BMS हूँ, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल रह चुकी हूँ 10-12 साल तक। और फिर मैंने सोचा कि मैं पूरी तरह अपने चाइल्डहुड पैशन में वापस आ जाऊं, टेक अ प्लंज बैक। तो इसीलिए मैं वापस काम छोड़ के, नौकरी छोड़ के मैं पूरी तरह म्यूज़िक को डेडिकेट कर रही हूं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो आप बताइए, आप सब कैसे हैं आज? आई विश यू ऑल वाइब्रेंट हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ इम्यूनिटी एंड हैप्पीनेस। लव टू ऑल ऑफ यू। तो COVID-19, क्या पता था कि हम इस तरह से मिलेंगे, महफिल करेंगे। थैंक्स टू रेख्ता लाइव कि उन्होंने बुलाया और आप सबको सुनाने का मौका मिल रहा है। तो आज देखिए ये कलाम कैसा है, इसी के इर्द गिर्द है, तो सुनाना चाहूँगी मैं माहौल के इर्द गिर्द। थैंक्स वंस अगेन टू रेख्ता लाइव फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस होल लवली जर्नी। And yellarigu namaskara, those who have joined from Bangalore, Karnataka, namaskara. So let's see how it goes. Vakt ke saath khayalat badal jaate hain. Vakt ke saath khayalat badal jaate hain. ये हकीकत है मगर मुझे को सुनाता क्यों है तू? अगर मुझे से खफा है तो छुपाता क्यों है? आँख से बात बनाता क्यों है? तो इस तरह से ये फरमाइश थी राजेश भालेराव जी का। अब आगे चलते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं ये कलाम, और मुझे लगता है कि मुनासिब है, इसीलिए सुना रही हूँ। और ये फरमाइश है अंजुमारा फटानी और सुंदर असवानी जी का। तो मैंने फेसबुक पे पूछा था कि मैं क्या गाऊँ, तो ये सब फरमाइशें हैं, तो इन्हीं को लेके मैं आज प्रस्तुत कर रही हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, बिल्कुल किसी ने सही गेस किया है। वक्त
वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाँ यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। आप सभी को अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू। एक मिनट कानपुरा तो लगा दूं। जिससे न दिल बहल सके, ऐसी खबर से फायदा, रात अभी ढली कहाँ, ख्वाबे सहर से फायदा, ख्वाबे सहर से फायदा। फसलें बहार आएगी, दौरे खिजा गुजार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, गम की अंधेरी रात में। अच्छा लग रहा है आपको? प्लीज़ आप कमेंट्स भेजते रहिए, मेरे फेसबुक पे जुड़िए, इंस्टा ट्विटर हैंडल पे जुड़िए, मेरे यूट्यूब पे जुड़िए। जिनके फरमाइश मैं आज पूरी नहीं कर पा रही हूँ तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डालूँगी, है ना? तो प्लीज़ जुड़ते रहिए। तो हमने देखा कि सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार करते हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो है एसेंशल्स मिल भी रहे हैं, और एक्चुअली वी हैविंग फूड ऑन आवर प्लेट, बहुत कुछ चल रहा है हमारे लिए, वायु मालिन्य कम हो गया है, प्रदूषण कम हो गया है, और ये भी कह रहे हैं कि यू नो द ओजोन लेयर भी ठीक हो रहा है, तो वी आर थैंकफुल समवेयर। अकबर इलाहाबादी साहब कहते हैं, अच्छा ये फरमाइश थी अहमद सईद साहब और सैफ अली जी खुर्रम सैयद साहब का, तो रफ़ी साहब के गाने मांग रहे थे तो ये हो गया। तो हम देखते हैं अभी कि अकबर इलाहाबादी क्या कहते हैं, और खुदा का नूर हर जगह है तो इसीलिए हमें सुकून है, हम शुक्रगुजार हैं उनका कि हमें ये सब मिल रहा है, जबकि लॉकडाउन भी है, तो हम खुदा की कृपा से, भगवान की कृपा से सही सलामत अभी हैं,
हेल्थ भी है। और क्योंकि खुदा है हम हैं, तो ये देखिए कलाम कितना अच्छा है। ये हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है, हर सांस ये कहती है, हम हैं तो खुदा भी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा। तो इस तरह से हम एक दुआ मांगते हैं अभी, क्योंकि रमज़ान भी है। रमज़ान मुबारक सभी को, और दुआ मांगती हूँ कि रमज़ान में खूब सारे बरकतें आए आपकी ज़िंदगियों में, और COVID-19 भाग जाए और फिर कभी ना आए, और हम सब खुशहाली में लौट जाएं, देश की आर्थिक स्थिति सब कुछ अच्छा हो जाए, हम सबको प्यार और खुशहाली सब कुछ मिलता रहे। तो एक दुआ मांगते हैं, और इसकी फरमाइश हुई है मोहम्मद इस्माइल साहब की, और ये कलाम है सुहेल अख्तर वारसी साहब का। तो लीजिए सुनिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। मैं सरापा जुल्म कुसूर हूँ, मैं सरापा जुल्म कुसूर हूँ, तेरा बंदा रब्बे गफूर हूँ, मैं सरापा जुल्म कुसूर हूँ, तेरा बंदा रब्बे गफूर हूँ, मुझे बख्श दे जो खता करूँ, मुझे बख्श दे जो खता करूँ, तेरा शुक्र कैसे अदा करूँ, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, मैं सरापा जुल्म कुसूर हूं, ये दहन तेरा ये जबान तेरी, ये बदन तेरा है ये जान तेरी, तेरा हक मैं कैसे अदा करूं, तेरा हक मैं कैसे अदा करूं, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं। हमारे हैदराबाद के अब्दुल हक हैरान साहब कुछ इस तरह से मांगते हैं। तू हमेशा ने करीमी से निभा ले या रब, तू हमेशा ने करीमी से निभा
खतावा पाले या रब, तू जिसे चाहे उसे या रब, तेरी रहमत का कुछ अंदाजा नहीं होता है, तेरी रहमत का कुछ अंदाजा नहीं होता है। जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है, वो जहाँ में कभी मोहताज नहीं होता है। जिसको मौला तेरी अनवार से आदम को अपने अनवार से आदम को सजाया तूने, वादा हर एक वफा करके दिखाया तूने। हम तुझे भूल गए पर न भुलाया तूने, हम तुझे भूल गए हम तुझे भूल गए पर न भुलाया तूने। तू बहर हाल रगे जाके करी होता है, जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है, वो जहाँ में कभी मोहताज नहीं होता है। इसके चलते देखते हैं कि खुदा हमसे क्या कहता है। कहीं पे कुरान शरीफ में खुदा प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम उन्हें याद करते हैं तो वो ज़रूर हमें याद करते हैं। इस गाने में हैदराबाद के मशहूर शायर अमजद हैदराबादी कहते हैं खुदा की आवाज़ में कि हमने तो देने का वादा किया है, तो ले हाथ फैला फिर मांग फिर मांग। देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना मोटिवेटिंग कलाम हमें मिलता है यहाँ पे। सो क्या ये रेडी विद दैट? यस। जो मांगना है मुसब्बिबे सबब से मांगो, मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो। क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। मायूस साहिल ने जब घर की राह ली, आंखों में आंसू थे थी झोली खाली, में रहमत झुंझला के बोली। मायूस जाता है क्यों हाथ खाली, मायूस जाता है इधर आ फिर मांग फिर मांग। किससे मुखातिब है
क्या कह रहा है, क्या तेरी ख्वाहिश है, क्या मुद्दा है, सर को पटक कर क्यों रो रहा है। हमने तो देने का वादा किया है, हमने तो देने का वादा, हमने फैला फिर मांग। जैसे ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स आवर एनर्जी एंड ऑल्सो बिल्ड्स इम्यूनिटी। क्यों ना डेडिकेट करें टू दोज पीपल हु आर वर्किंग टायरलेसली, स्ट्राइविंग टायरलेसली, अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी हुआ, डिलीवरी एजेंट्स हैं, दोज हु आर ट्राइंग टू ट्रीट प्रिवेंट द डिजीज, द पुलिस फोर्स, सबको मैं ये गाना उनके नज़र करना चाहती हूँ। साहिल लुधियानवी साहब कुछ इस तरह से बोलते हैं, take the small one, sweetie. अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो हम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो अपनी परेशानी मुझे दे दो। I hope you're liking it. Comment से yes बिल्कुल आ रहा है, तुम अपना रंजोगम मैंने गा लिया। तो ये request थी मुनाफ निज़ाम साहब की और मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब का, ये request था। तो आप please मेरे Facebook पे जुड़िए, YouTube, Insta पे जुड़िए। Thanks to all the lovely comments जो आ रहा है, I'm feeling so nice, I'm feeling so grateful कि आप सब इतने अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, यू आर लाइकिंग इट, आई एम सो थैंकफुल। शायद कुछ लोग तरावी में बिजी हैं इसीलिए जुड़ नहीं पा रहे हैं, बट आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव। रंजो गम परेशानी पशेमानी ये सब तो है प्यार में, लेकिन पहले पहले तो बहुत मज़ा देता है ना।
तो गोपियों की जुबानी कैसे होगी ये देखते हैं। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे हाँ मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो ते। नैनों से जादू किया जिये राम मोहलिया, है जिये राम मोहलिया, हाँ नैनों से जादू किया जिये राम मोहलिया, है जिये नजरियों से तोड़ गयो रे, मोरा घुंघटा नजरियों से तोड़ गयो रे, मोहे पनघट आजी हाँ, मोहे पनघट हाँ, मोहे पनघट पे नंदलाल गयो रे। और रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, पहल जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, दिन ब दिन बढ़ते गए दिन ब दिन बढ़ते गए, इस हुस्न की रानिया दिन ब दिन बढ़ते गए, इस हुस्न की रानिया पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदाम का सामा हो गए, और देखिए साहब कस्में वादे कुछ इस तरह, सो रोमांटिक क्या बताएं। द नेक्स्ट कलाम इज रिक्वेस्टेड, सच अ रोमांटिक कलाम है, क्या बताऊं, द प्रॉमिस ऑफ अनडाइंग लव जो है, इट इज़ रिक्वेस्टेड बाय आशीष शुक्ला जी एंड स्पेशली डेडिकेटेड टू अभय एमा जी हु लाइक्स दिस अलॉट, टू विजय जवेरी जी हु लाइक्स दिस अलॉट एंड टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स हु हैव वॉन्टेड दिस कलाम, हियर इट इज।
यस यस यस, आपकी फरमाइशों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने तय किया है ये सेटलिस्ट जो है पेरिस, तो ज़रूर होगा। अभी तो इस कलाम का लुत्फ उठाते हैं। दिल में बसाया
किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे प्यार का बंद निगहबान तुझे चाहूंगा प्यार का निगहबान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी था मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग. लेकिन लॉकडाउन में मामला अलग है कि नहीं. लॉकडाउन में तो प्यार भी पेशेंस मांगता है जैसे प्यार की कोई रिग्रेशन टेस्टिंग हो रही हो, है कि नहीं. तो ये है जानिसार अख्तर साहब का कलाम. वंस अगेन राग यमन में है या राग यमन की स्केल में है तो मैं जल्दी से बदल देती हूँ. This is a request by Ashfaq Ahmed Sahab and Hyderabad mein Hyderabad ke bahut sare saathiyon. I hope aap jude hain bhai behan. To ye hai Ashfaq Ahmed Sahab aur unke dost ka ye jo farmaish hai Jansan Akhtar Sahab. Main tumhe se poochti hoon mujhe tumse प्यार क्यों है कभी तुम दगा न दोगे मुझे ऐतबार क्यों है मैं तुम्हीं से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है कभी तुम दगा न दोगे मुझे मैं तुम्हीं से पूछती हूँ तुम ही सामने हो मेरे मैं जिधर नजर उठाऊँ तुम्हें भूलना भी चाहूँ तो कभी न भूल पाऊँ तो कभी न भूल मेरे दिल पे हाय इतना तुम्हें इख्तियार क्यों है मैं तुम्हें से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है कभी तुम दगा न दोगे मुझे शुक्रिया साहब. शुक्रिया. इन दिनों हैदराबाद के शोराए कराम की गज़लों पे ज़्यादा मैं तवज्जो दे रही हूँ, लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ. तो इस प्रोग्राम में हमने मखदूम मुहीउद्दीन साहब को देखा, अमजद हैदराबादी साहब, अब्दुल हक हैरान साहब को देखा है. अब सफ़ी औरंगाबादी साहब का ये कलाम सुनते हैं, बड़ा मज़ेदार है. और जो है ये कलाम मैं डेडिकेट करती हूँ सारे कपल्स को कि मैरिड हों अनमैरिड हों, थोड़ा सा खट्टी मीठी नोक झोंक हो रही हो आपके बीच में, फिर भी ये कलाम आपके लिए आपकी नज़र. तो लीजिए मुलायजा फरमाइए, पेश खिदमत है. और ये पंडित विठल राव जी की कॉम्पोजिशन है जो हैदराबाद के मशहूर और मारूफ कंपोज़र रह चुके हैं. और उनकी याद में आई वॉन्ट टू पे ट्रिब्यूट इंशाल्लाह गॉड विलिंग. लेकिन ये कलाम फ़िलहाल आपके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ. आ
फिर आकर हमारा सोजे दिल सोजे जिगर देखो, कभी आकर हमारा सोजे दिल सोजे जिगर देखो, कभी कभी तो पूछ कर देखो, कभी आकर हमारा सोज दिल सोजे जिगर देखो। और ये शेर देखिए बड़ा खूबसूरत है, और ये शेर सारे मैरिड कपल्स के नजर करती हूँ, तवज्जो चाहूंगी। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो, मगर देखो खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो, मगर देखो कभी पूछ कर देखो। तमाशागाह आलम में तमाशा एक हम ही, जिधर चाहो उधर देखो, कभी आकर हमारा सोजे दिल सोजे जिगर देखो, कभी तो भूल कर आओ कभी तो पूछ कर देखो। तगाफुल था रंजिश थी मगर, अदावत थी तगाफुल था रंजिश थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था बेवफा न थी, वो हम सफर था मगर से हम नवाई न थी, कि धूप छुआ का आलम रहा जुदा time, all things don't heal.
Some people drift away. Some people never come back. And some love is lost. Some other thing is gained. But meanwhile, the loss affects the heart. हम सब जानते हैं ना अंजाम है मोहब्बत. ये देखिए, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट बाय पीयूष नागर, अंजुम लुधियानवी साहब, नागेश भटनागर जी, रचना अरोरा. दिस इज़ फॉर यू. वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के नयाद हो, वही निवादा निबाह का, तुम्हें याद हो के नयाद हो, वो जो हम में तुम में करार था. कभी हम में तुम में भी तुमसे भी राह थे, कभी हम भी तुम भी थे आशना, कभी हम भी तुम भी थे आशना. तेरे अंजाम पे रोना आया है मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया है मोहब्बत, कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया है मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना क्या हसीन ख्वाब दिखाया था मोहब्बत ने हमें, खुल गई आँख तो ताबीर पे रोना आया. जहरा निगाह साहिबा कहते हैं कि अब ज़ौक़े तलब वजह जुनून ठहर गया है, और अर्ज़े वफ़ा बाएं से रुसवाई है, देखो गम अपने ही अश्कों का खरीदा हुआ है, दिल अपनी ही हालात का तमाशाई है, देखो ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए
एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फैज साहब कुछ यूं कहते हैं, ये है फरानी अनसब साहब का, अंबर जोशी जी का और ढेर सारे ये जो फरमाइश आते रहे हैं उनमें से भी हैं। तो फैज साहब का ये कलाम देखिए कितना मुनासिब है इस जज्बात के लिए, इस जज्बे के लिए। मकाम फैज कोई राह में जचाए नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचाए नहीं, जो को यार से निकले तो सुदार चले, जो को यार से निकले तो सुदार चले, चले भी के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आके गुलशन बहार चले। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। फिर आप गोरखपुरी साहब का ये कलाम थोड़ा सा दिलासा देता है, तसल्ली देता है। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए, है ना। अब्दुल्ला अलीम सही कहते हैं। और देखिए साहब कबीर क्या कहते हैं कि ये जो चादर है इसे मैली नहीं होने देते हैं। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कर दीनी रे चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी। वेरी सटल, वेरी सटल। दीज एनर्जीज, द एनर्जी सिस्टम दैट वी ऑल आर एंड द ऑरा लेयर्स अराउंड अस आर नॉट टू बी मलाइंड विद द फीलिंग्स ऑफ शेम, पशेमानी, परेशानी, वीरानी, हैरानी, एस्पेशली गिल्ट एंड शेम, वी स्पॉइल इट। एंड एक दिन, जैसे कुरान शरीफ में कहते हैं और हम भी मानते हैं, सनातन धर्म भी मानता है कि एक दिन वापस लौट जाना है उस परवरदिगार के पास, तो इस चादर को ज्यों की त्यों लेके जाना है। देखते हैं इस कबीर वाणी को। ये रिक्वेस्टेड बाय दीपांजलि देका, यश पारिक एंड सत्यन कामत। Also coming up the next one for you. Yena, yena, ah, 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 ah,
गमन धनी सन मप गम रे गम रे जीन जीन जीनी 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 बिनी चादरिया जीन जीन जीनी 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 जीन जीन जीनी आठ पांच तत्व गुण की चादरिया जीन जीन जीनी 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 दिनी चादरिया सुख मान तार से दिनी चादरिया जीन जीन जीनी 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 दास कभी दास कबीरा कबीरा कबीर दास कबीरा जतन कर ओढ़ी जो की क्यों धरी दीन रे जो की त्यों धरी दीन चदरिया चदरिया जीन जीन जीनी जीनी G
जो सुख पायो नाम भजन में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में मन लागो, यार फकीरी में मन लागो, यार फकीरी में आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, साहिब मिले सबूरी, सबूरी में मन लागो, यार फकीरी में मन लागो, मन लागो मेरो यार। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। राशिद अनवर राशिद साहब जो बड़े अच्छे शायर हैं, बड़े मशहूर और बहुत मकबूलियत पाई है उन्होंने, तो कुछ इस तरह से सुलझाते हैं। और ये कॉम्पोजिशन है हैदराबाद के जाने माने कंपोज़र राम अवतार दैमा जी का, तो थोड़ा सा मैं सुनाना चाहती हूँ। देखिए क्या खूब लिखा है उन्होंने। एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे, एक कतरा सही आँख में पानी तो रहे, ऐ मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे, एक कतरा ही सही आँख में पानी तो रहे, बस यही सोच के यादों को तेरी दे दी पना, इस नए घर कोई चीज पुरानी तो रहे, एक कतरा आबाद इलाकों की तरफ कुछ करें, बाद इलाकों की तरफ कुछ करें, हम रहे या ना रहे अपनी कहानी तो रहे, हम रहे या ना रहे कहानी तो रहे। तो देखिए साहब, हम रहे या न रहे अपनी कहानी तो रहे, बेहतर है
इश्क मजाजी तुझे बेकारी से, जब तलक इश्क हकीकी हो ये मशगला है। हकीकत दिखाता है इश्क मजाजी, निहां जिसको समझे हुए थे आया है। लाइक रूमी सेज इन द लैमेंट ऑफ द रीड फ्लूट, द फर्स्ट पोएम इन द मसनवी अल गजाली ऑल्सो सेज दैट वी आर ऑलवेज seeking, pursuing something still. The worldly love never satisfies us. Sensual pleasures don't satisfy us. कहते हैं कि हम असल को ढूंढते हैं जिससे हम कट के इस दुनिया में आए हैं। तो just like a bamboo is cut from a bamboo tree और दुनिया में भेजी गई है, जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था यहाँ पे बहिश्त से निकाल के, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन हर वक्त मरकज़ तो वही है। हम चाहते हैं कि उसकी जस्तजू में हम अपना वक्त बिताएं और पूरी तरह उसमें लीन हो जाएं। दैट थॉट नेवर लीव्स अस, वी आर ऑलवेज परस्यूइंग। सनातन धर्म भी इट्स द पाथ ऑफ द इटर्नल ट्रूथ, तो ये कभी छोड़ता नहीं है। सूफियाना लोग ही कह पाते हैं इसको कि सुनिए साहब, तवज्जो चाहूंगी। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं भी कैसा, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं भी कैसा, जीत गए तो जीत गए खैर मांगा, नित खैर मांगा सोनिया मैं तेरी, नित खैर मांगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दे। नित खैर नित खैर नित खैर नित खैर नित खैर मांगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दे। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, तेरे
खीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंग दे, नित खैर मांगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दे। तू मिल आते मिल गई खुदाई वे, तू मिल आते मिल गई खुदाई वे, तू मिल आते मिल गई खुदाई वे, हाथ जोड़ आखा पाई ना जुदाई वे, मर जावांगी जे अख मैं तो फेरी, मर जावांगी जे अख मैं तो फेरी, दुआ ना कोई होर मंग दे, नित खैर मांगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दे। रे मा पा ने ने पा पा ने पा मा पा मरे मरे सारे ने सारे ने सारे ने सारे ने सारे मने सारे मा पा ने सारे मा पा ने 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 सारे सारे ने 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 सारे
अर छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिलाए के। मुसे नैना है मुसे नैना है मुसे नैना मुसे नैना मुसे नैना 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 मुसे नैना मिलाए के। हर छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिलाए के। नैना मिलाए के मुसे सेना चलाई के। नैना मिलाए से मुसे सेना चलाई के। बात अगम कर ली नीरे मुसे नैना मुसे नैना मुसे नैना मुसे नैना मुसे नैना मिलाए के। रही मन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही। जे जानत ते कहत नाही कहत ते जानत नाही। मुसे नैना है मुसे नैना है मुसे नैना मुसे नैना मुसे नैना 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 मुसे नैना मिलाए के। हाय छाप तिलक सब छीनी रे मुसे नैना मिलाए के। खुसरो निजाम के बल बल जइया खुसरो निजाम के बल बल जइया खुसरो निजाम के बल बल जइया। मोहे सुहागन की नीरे मुसे नैना मुसे नैना मुसे नैना मुसे नैना मुसे नैना मिलाए के। मुसे नैना मुसे नैना 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 मुसे नैना मिलाए के। लाल मेरे पत रखियो भला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन दास सखी शाहबाज कलंदर। हक दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर सिवानी लाल कलंदर दमा दम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी अब वक्त हो चला है भैरवी का तो कब तक मेरे मौला गाए बगैर ये महफिल ख़त्म नहीं हो सकती। और मेरे बहुत अजीज़ शायर जो मरहूम शाज़ तमकनत साहब हैं मेरे फेवरेट शोरा में से हैं और उनका कलाम मैं पेश करना चाह रही हूँ। दमादम मस्त कलंदर वॉज़ रिक्वेस्टेड बाय रिजवान जावेद मोहम्मद। छाप तिलक वॉज़ रिक्वेस्टेड बाय रफ़ीद फाकी वसंत जोशी जावेद अली एंड मोइन सईद साहब। और कब तक मेरे मौला जो है कब तक मेरे मौला इज़ रिक्वेस्टेड बाय खलीक उर रहमान साहब हैदराबाद से जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। खलील साहब हैं और हैदराबाद में बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मुंबई में हैं राजीव सेठी जी अभय अमा जी थैंक यू सो मच। कल्पना रचना सुनीता कंचन थैंक यू सो मच। सलमान भाई
फ्रॉम लंदन, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी. एंड ये है खलीक भाई हैदराबाद, खलील तबसी, मोहम्मद हुसैन, बकीर मिर्ज़ा, मोहम्मद अशद खान, अक्रम, अर्पित, श्रीरंग, अशरफ अली जी जैसलमेर से, थैंक यू. मीर मुनव्वर अली जी, फातिमा नूरीन, खालिद रसूल खान साहब, थैंक यू सो मच. सारा बसीर सिद्दीकी साहिबा, सजाद हसन, इद्रीस अहमद फरीदी, सैयद हारून, आमीन शेख, फिरोज़ खान जी, सीमा अब्बास जी, मोइनुद्दीन अली खान जी, मोहम्मद अहमद जी, कमर शेख जी, संजय शुक्ला जी, मुमताज़ खान जी, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इसको रिक्वेस्ट किया है. और फरहद तमकनत, अगर आप जुड़े हैं इससे, और फवाद तमकनत साहब आप अगर जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच. देखिए आई एम चौकिंग शाज तमकनत साहब को याद करते हुए. तो ये लीजिए, दिस कलाम इज आई वुडंट से इट्स अ सैड टोन बिकॉज इश्क हकीकी में द परस्यूट इज एवर ऑन गोइंग और हमें हमेशा इस पर लगना पड़ता है. इट डजेंट एंड एट एनी पॉइंट दो वी आर वेरी मोटिवेटेड नाउ एंड वी नो दैट क्योंकि वो है तो हम हैं. लेकिन ये कलाम उससे भी आगे जाता है कि हाउ सालिक को कैसे फना होना है. तो ये लीजिए, पेश खिदमत है. जाएंगे दामन मुझे दे दे,
तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। कशफ़े असरार निहानी तेरे सदके, अब शाज को दे हुक्म रवानी तेरे सदके। ठहरा हुआ दरिया तक मेरे मौला, मौला कब तक, मौला कब तक, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। मेरे मौला 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 मेरे मौला। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, हाँ कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका। शुक्रिया, शब बखैर। इसी तरह जुड़ते रहिए फेसबुक से, यूट्यूब से मेरे साथ जुड़िए, ट्विटर पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, और बहुत कुछ सुनाना है आपको। मैं वारसी साहब हैदराबाद से, वारसी ब्रदर से मैंने तालीम ली है,
और मैं अलका देव मारुलकर जी से मैंने तालीम हासिल किया है, और धारवाड़ में पंडित अर्जुन साना कोट, श्री पी आर भागवत, पंडित आर बी सोनटके जी से मैंने हासिल किया है तालीम। और बहुत सफ़र तो बहुत लंबा है, और भी बहुत कुछ करना है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट देयर आर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल द लवली कमेंट्स। शब बखर। थैंक्स वंस अगेन टू रेखता लाइव। Love you also much. Love you.